Hey guys, welcome to my YouTube channel RBA Vlogs. तो कैसी है मेरी फैमिली, YouTube फैमिली? आई नो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है. एक्चुअली गाइज मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैं कुछ काम निपटा रहा था, तो कुछ चीज़ों की प्लानिंग भी हो रही है. तो अभी तो वीडियोस आएंगे, आई प्रॉमिस कि वीडियोस अच्छी तरह से आएंगे, लेकिन अभी जैसे आज का वीडियो में जो कहानी है मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप सबको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है? तो गुड न्यूज़ क्या है देख लो एक बार. सो इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि मेरे खुद के पास कोई एडिटिंग सेटअप नहीं है. तो गाइज ये आप सबकी दुआओं की वजह से मैंने ये ख़रीद लिया है, अपना सेटअप उठा लिया. सो ये बहुत सही चीज़ है, बहुत मेहनत लगी पर हो गया. सो आई होप कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, ये चीज़ देख के. सो अब से अपनी वीडियो यहाँ पे एडिट होगी, यहाँ पे, ओके? सो अब ज़्यादा घर पे बात नहीं करते, निकलते हैं, ठीक है? वैसे मैं लेट भी बहुत हो चुका था, तो इसलिए मैं घर से निकलते टाइम ब्लॉग नहीं कर पाया. तो ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, बस अपने इलाके से निकल ही रहा हूँ. तो भाई आगे और हम लोग जा रहे हैं अभी इको पार्क. तो इको पार्क जो लोग मेरे यहाँ से, सबको पता है इको पार्क कहाँ पे, बहुत सामने है, बस थोड़ा सा ही आगे जाना है और फिर इको पार्क आ जाएगा. तो चलो शायद भाई को फ्यूल अप करवाना है, तो पहले फ्यूल अप करवाते और फिर जाके आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? फिर आज बहुत सारी बातें होगी, आप लोगों को बहुत कुछ बताना भी है, तो चलो मिलते हैं, ओके? तो गाइस फ्यूल अप डन है, मुझे नहीं ज़रूरत थी आज, मतलब जितना है हो जाएगा आज का काम, तो मैं फ्यूल अप नहीं करवाऊँगा. तो बबूल ने फ्यूल अप किया और मतलब हम लोग लेट हो गए, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए. 4 बजे तक हम लोगों को पहुँच जाना चाहिए था. अभी कितना बज रहा है एक सेकेंड में बताता हूँ. बता देता हूँ कितना बजा है. 4:05 हो चुके हैं अभी हम लोग, मतलब आसपास भी नहीं पहुँचे, तो इसलिए थोड़ा बुबुन ने चीख दिया मेरे पे. अरे होता रहता है यार, यूट्यूबर्स को थोड़ा एक हो जाती है यार, क्या कर सकते हैं. अभी ये करो वो करो, कैमरा चार्ज अप करो, ये कैमरा चार्ज करो, फिर भी मैंने आज ज़्यादा कुछ लिया नहीं. हाँ दादा यही करो आप सब. तो आज सिर्फ मैं गोगो कैरी कर रहा हूँ, कुछ और मतलब माइक वाइक कुछ नहीं कैरी कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी मेरे को मतलब मेरा गोगो भी चार्ज नहीं था, मुझे लगा कि चार्ज है, मैं निकलने के टाइम पे देख रहा हूँ अरे यार चार्ज नहीं है, इसको चार्ज में डालो. तो चार्ज में डाला तो तब भी मेरा टाइम लग गया. तो और जो रांची वाला ब्लॉग है, आई एम सॉरी अबाउट दैट गाइस यार, वो वाला ब्लॉग में डालने का मतलब क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी मेरा, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं शादियों का काम, मतलब शादियों में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का काम करता हूँ. तो अभी फेब्रुअरी चल रहा है, फेब का महीना मतलब शादी का महीना, तो यार अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो उस चक्कर में मैं कर नहीं पा रहा हूँ अपलोड, और उसका एडिट भी नहीं कर पाया मैं पूरा. तो आई एम रियली सॉरी, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं रांची वाला ब्लॉग ख़त्म कर दूँ, मतलब रांची वाला जो सीरीज़ है उसको अपलोड करके ख़त्म कर दूँ, ठीक है? चलो आगे आज का प्लान आगे जाके बताते हैं आप सबको, ठीक है? चलो रोड पे मिलते हैं, मतलब मेन रोड पे आने दो, अभी तो गली वाला रहता है, मेन रोड पे आके आप सबको बताते हैं, ओके? चलो तो गाइस हम आ गए रोड पे, और इस वाले रोड पे सीधा जाके बाई तरफ जाना पड़ेगा हमें, ठीक है? बाप रे चलो इंडिकेटर मारा है तो गाड़ी मार देता हूँ. तो आज की कहानी के बारे में बताता हूँ. हाँ आज की कहानी कुछ इस तरह है, कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं मीटअप पे. तो किस बात की मीटअप है भाई? तो मीटअप है हम लोगों की ग्रुप का, जिस ग्रुप के साथ, जिस बाइकिंग ग्रुप के साथ हम लोग राइड करते हैं, मैं भी करता हूँ, बूम भी करता है, मेरे बहुत सारे दोस्त थे उस ग्रुप में, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब
जो लोग बहुत सारे स्कूल के बाद बिछड़ गए थे, ठीक है, फिर जाके इस ग्रुप में जाके मिले। मतलब बाइकिंग कितना सही चीज़ है ये सोच लो एक बार। मतलब जो फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है यार, ठीक है चलो यार, बहुत साउंड है, ठीक है बाद में बात करते हैं, ओके। सो गाइस, जाम से निकले और जाम पे आके फंसे, ठीक है। पर एक चीज़ दिखाने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया, अब लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सामने देखो एक भूसा करा है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे उसको पकड़ने का, शायद ये हम लोगों के मीटअप पे ही जा रहा है, विशाल का भूसा हो सकता है, क्योंकि उनका भूसा भी रेड कलर का ही है। तो चलो देखते हैं, अगर उनका हुआ तो बहुत सही है, वहाँ पे जाके देखने को मिलेगा। और आज सुपरवाइज देखने को मिल सकता है, एक दो तो मिलेगा, मतलब अभी जैसे कि भूसा दिख रहा है मुझे, तो आई होप कि मिल जाए, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था कि आज का मीटअप, तो जिस ग्रुप के साथ हम लोग, तो यार बहुत सारे राइड्स किए लेकिन यार उनका यूट्यूब वीडियो नहीं बना पाया, तो शायद लग रहा है कि सामने जो है वो ग्रुप वाले ही है, ठीक है। तो हम लोगों के जो ग्रुप है उनका एक मीटअप है जो कि इको पार्क में है, तो इसलिए हम इको पार्क की तरफ जा रहे हैं, मैं बुबुन सब इको पार्क की तरफ जा रहे हैं, कुदाते हुए जा रहे हैं। आज मैंने सच में कुदा दिया यार बाइक को, भूसा निकल गया यार भाई, इतनी इतनी चौड़ी बाइक कहाँ से निकाल लेता है, इतना गैप कैसे मार लेता है यार। 3 नंबर प्लेट मतलब बैटरी वाला कार, सही है टाटा निकता। तो यहाँ पे सारे बहुत सारे फ्रेंड्स, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड्स, स्कूल वाले, वो भी मिल गए, ठीक है। तो बाइकिंग बहुत सही चीज़ है अगर ठीक से करो तो, मतलब ऐसा नहीं कि रेस कर रहे हो, वू करके रेस कर रहे हो। अगर तुम्हें शौक़ है बाइकिंग का, तो मुझे पता है जिन लोगों को शौक होता है ना एक्चुअली बाइकिंग का, वो लोग ऐसे हेलमेट के बिना बाइक को भी नहीं चलाते। तो आई होप आप सब भी ऐसा नहीं करते होंगे। यार सच में भूसा निकल गया, अरे यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। तो यार अभी मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ और कुछ देर मतलब ये जाम से निकल के फिर आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। बिना यार यहाँ पे क्या ही बात करें, प्लीज 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 कर रहे यार सब नीचे से, चलो जाम से निकलते पहले। तो गाइस हियर इज भूसा, द माइटी हायाबुसा। तो विशाल से बात हो गई है, तो हम लोग जा रहे हैं। साथ में भूसा हो तो यार क्या ही मज़ा होता है, एनर्जी लेवल देखो यार, क्या सही एनर्जी लेवल है। सुनाई दे रहा है यार, आ रहा है, क्या साउंड लग रहा है यार, सो मच सेक्सी। क्या ही सही मशीन है यार, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो वो साउंड मैन, कुछ नहीं है। वहां से लोग बोल रहे हैं और एक बार थ्रॉटल थ्रॉटल जाबी विशाल दा, सारा विशाल दा सारा थ्रॉटल थ्रॉटल जाबी ना, 1 नंबर गाड़ी है, चो मार उधर गैप मार। तो यार और सुनाते हैं आप लोगों को आवाज, भूसा इज रेविंग ऑन यार, क्या सही गाड़ी है, चलो खींचते हैं भूसा के साथ। दिल खुश हो जाता है यार, इसे देख के दिल खुश हो जाता है, इतनी प्यारी मशीन है ये, और
और कितना फ्लेक्सी, शायद एरो का एग्जॉस्ट लगा है इसमें, आई डोंट नो, मुझे ठीक से पता नहीं है, पर आई थिंक एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो लेट्स गो, आगे चल के रुक के आप सबको दिखाएंगे ये वाला भूसा आज, ठीक है, अपना ही समझ लो। तुम्हें आशो है? हाँ, विशाल दा के साथ आने में बहुत मजा आया, ठीक है, थोड़ा सा ही आया लेकिन यार पूरा एड्रेनलिन रश जो है ना वो मतलब हाई लेवल तक चला गया, हम लोग भी खींचने लग गए। तो भूसा देख के ऐसे एनर्जी हाई हो जाता है, तो मेरी एनर्जी अभी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, मतलब आवाज से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, मेरी एनर्जी कितनी हाई है। तो बुबुन का भी हाई हो चुका है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हाई होकर बहुत ज़्यादा हाई पिकअप में खींच रहे हैं, तो जेसन बाजी की तरह हम लोग भी 200 200 200 कर रहे हैं, जो कि हम लोग की गाड़ी में होता नहीं है। यार टेंशन नहीं है, फिकर नॉट, आप लोगों की दुआ रही, मेरी मेहनत रही, तो यार ऊपर वाला एक दिन हम लोगों को ज़रूर देगा कि हम भी आप लोगों को 200 200 200 200 की स्पीड में ले जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब साथ देंगे, इतना इतना तक दिया है तो आगे भी बहुत देंगे, ठीक है, तो मैं मेहनत करता रहूँगा और आप लोग साथ देते रहना, ठीक है। हाँ की अंतर देगा जी, कुछ था, ओ हाँ 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 बहुत सही कंटेंट मिला भाई, बहुत सही कंटेंट। भाई देखे तुम्हें भूसा देव पर गाड़ी देखे लोग बोलते मतलब इतना सही है, मतलब लोग इतना पागल है भूसा के लिए। तो विशाल दा ने जब रेप किया ना, तो फोर व्हीलर में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं पता यार कैमरा में कैप्चर हुआ कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, मतलब वो लोग बहुत एजेड है फिर भी बच्चे बन गए और बोल रहे हैं कि यार वंस मोर वंस मोर। यार मेरी गोप्रो हैंग हो गई थी। कोई नहीं, चलो होता रहता है, पर हम लोग पहुंच गए इको पार्क। चल क्या दिखा रहा है यार, हम लोगों को ग्रुप का कोई नहीं दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा टेंस्ड हो गए क्योंकि विशाल दा बोला कि विश्व बांग्ला गेट पे हो सकता है। अभी बज रहा है 4:30, तो शायद कुछ लोग क्या, हाँ ना ना पार्किंग में रखना है गाड़ी, चलो रखते है गाड़ी। कुड़ी टाका टू व्हीलर कुड़ी टाका हाँ ठीक है, तो यार हम लोग का ग्रुप का कोई दिख नहीं रहा है, यही हम लोगों को टेंशन हो रहा है बहुत। দুটো কত আছে দেখো 30 টাকা 10 টাকা আছে আর 55 এই সরি 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 আমাকে 30 টাকা দিল। मेरी माँ हाँ चलो चला। तो
पहले तो हम लोगों के ग्रुप को ढूंढना पड़ेगा। कौन सा बाइक है बे? कहाँ रखी? तो चलो यहाँ पे आगे पार्क करते हैं, ठीक है? बाइक पार्क करते हैं, उसके बाद कब आते हैं। सो गाइस हम लोग तो आ गए, ठीक है, लेकिन हम लोग पार्किंग में भी आ गए लेकिन कोई नहीं आया है। तो कॉल कर रहे हैं, कोई कॉल भी नहीं उठा रहा है, तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है, देखते। फ़ोन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, तो देखते। SMS किया है ग्रुप में, आई होप काला हो रहा है ना, तो यहाँ से ठीक है। एक सुपर बाइक भी आ रहा है, पता नहीं किसका है, पर आई होप कि दिखे। नहीं भाई, Z9 650, बहुत दूर से जा रहा है तो दिखेगा नहीं, तो देखते हैं यार क्या होता है। सो गाइस मैं सबको बता रहा था कि हम लोग मीटअप पे आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, तो ये एक चाइल्डहुड फ्रेंड है सौरभ। भाई हाई कर दे, कुछ बताना चाहेगा? अभी नहीं, चलो सबके साथ मिलते हैं फिर। तो चलो सबसे मिलाते हैं। तो सब लोग अंदर है, हम लोग थोड़ा बाहर आए थे एक चीज़ लेने के लिए, तो अंदर जाते सबसे मिलाते हैं। सो गाइस वहाँ पे अपना ग्रुप खड़ा हुआ है, सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। बहुत लेट हो चुका है, 4 बजे का टाइम था पर अभी कितना 5:30 बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया यार, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। देखो सारे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब खड़े हुए। রাহুল দা সিগারেট খাচ্ছে, এটা উচিত নয়, সিগারেট কজেস ক্যান্সার। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, 6 बजने वाला है, तो मेरा काम का कॉल टाइम है 6 बजे, क्योंकि टेप चल रहा है और शादियों का सीज़न है, तो आप सबको पता ही है कि फोटोग्राफी का काम है मेरा, तो आज एक काम है तो मुझे निकलना है। तो बहुत दिनों से इन लोगों से नहीं मिला, तो एक बार आया कि चलो मिल लेते फिर निकल जाएंगे। सो दिस इज़ द ग्रुप नेम, सब देख ही पा रहे हो, मोटो सेफियर्स, और ये कैलेंडर है हम लोगों का, अनिक दा ने गिफ्ट किया ये, तो थैंक यू अनिक दा। चलो इसको ले लेते, जैकेट में डाल लेते यार, बैक पैक में तो कुछ लाया नहीं हूँ मैं। ओ भाई बहुत ठंड है। चलो सबको बाय बोल के निकल जाते यार। बहुत दिन बाद आया तो बहुत मज़ा आया यार, हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, तो फुटेज थोड़ा बहुत आप लोग देख पा रहे हैं। एक बार बाय बोल के निकल जाता हूँ। चला हाँ সবাইকে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, কথা হোক পরে দেখে নেবো, গ্রুপে তো ভিডিও ছাড়বেই, তো তখন দেখে নেবো। আসলাম ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ আবার দেখা হবে রাইডে। আমি অ্যাকচুয়ালি 6টা থেকে কাজ আছে গো, বিয়েবাড়ির কাজ, ফটোগ্রাফির কাজ করি না, তো হচ্ছে বিয়েবাড়ি আছে সেই কারণে, হ্যাঁ তাই বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ আমি তো মুঝে নিকলনাই হ্যাঁ, अब क्या कर सकते हैं, काम है तो काम है, काम करना ज़रूरी है। और चलो चलते घर की तरफ, तो गुगुन रह गया, तो गुगुन से सुन लेंगे क्या क्या हुआ। तो ये लोग शायद शॉटल जाए यहाँ से, मुझे नहीं पता, पर अगर जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो तब भी ठीक है, पर मुझे अभी यहाँ से शायद काम पे जाना पड़ेगा। देखते डायरेक्टली वहाँ पे भी जा सकते हैं, अगर वहाँ पे होके ही जाएंगे, अगर वहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हुआ तो घर जाएंगे। हाय एक बच्चा देख रहा है मुझे,
बोल रहा है ये पागल की तरह क्या कर रहा है बंदा। ये ना मेरा व्यू ब्लॉक कर देता है इसका। गोप्रो मैम कैमरा एक्चुअली एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग करी यूट्यूबे मैंने टूरिज्म प्रोवाइड करी लाइव ना एक्चुअली मैं वीडियो टाइटा रिकॉर्ड करी देन ओटा के अपलोड करी यूट्यूबे। थैंक यू। एक्चुअली यूट्यूबे एक चैनल आज ओखने बाइक नहीं घूरते जा रांची टाची घूरते गे तो RBA ब्लॉग्स ओके तो थैंक यू। थैंक यू मैम। यार ऐसे जब लोग पूछते हैं तो बहुत मज़ा आता है, मतलब इतना अच्छा लगता है कि यार लोग पूछते हैं यार क्या करते हो। बहुत सारे नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है तो आई एम लविंग इट यार, मतलब बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से तो यार ये प्यार ही चाहिए बस और कुछ नहीं। तो मेरे हर चीज़ को अपडेट जो है वो इंस्टाग्राम में आपको सबसे पहले मिलेगा तो यार गाइस इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगा नीचे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल ही दूँगा तो आप वहाँ से जाके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज़ इको पार्क और मैं इसे छोड़ के अभी जा रहा हूँ। तो मेरा दिल तो नहीं कर रहा था कि यार जाऊँ क्योंकि यार बहुत दिनों के बाद इतने सारे लोगों से मिल पाए और ये बहुत मतलब क्या बोलूँ ये बहुत लकीस्ट टाइम होता है कि आप जब सबके साथ हो क्योंकि हर टाइम पे सब आपको नहीं मिलेंगे ना एक साथ। जब ये एक साथ मिलने का टाइम आता है तो यार दिल नहीं करता कि छोड़ के चला जाऊँ। तो इको पार्क के बहुत सारे लोग घूमने आए हैं कल, तो मतलब कल मैं नहीं आया था पर सुना था कि यार कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रशेस था। कल हम लोगों के यहाँ पर सरस्वती पूजा था और सरस्वती पूजा बंगाली वैलेंटाइन डे होता है तो बहुत सारे कपल्स यहाँ पे आके घूमने आए थे और आते भी है यार, आना भी चाहिए घूमो। मैं नहीं निकल पाया ठीक है, मेरे काम के वजह से मैं नहीं निकल पाया आप लोगों को मैडम के लेके, तो मैडम थोड़ा गुस्सा है, मैडम आज भी नहीं आया गुस्से के कारण ठीक है, ब्लॉक करके रखा हुआ है मैडम ने मुझको। बट ठीक है मैडम के लिए भी मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया है, एक चीज़ ऑर्डर दिया है मैंने मैडम के लिए भी, देखते वो शायद दो चार दिन में आ जाएगा तो ये वीडियो आते आते शायद मैडम को मैं गिफ्ट भी कर दूँ। और गाइज आई एम रियली सॉरी कि मैं रांची वाला ब्लॉग इतना लेट करके अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि फरवरी आ गया है यार, मतलब क्या ही बताऊँ बहुत ज़्यादा अभी मेरा काम को लेके बहुत ज़्यादा रश चल रहा है। तो चलो खुल गया यार, तो मैं CC2 क्रॉस कर रहा हूँ और विक्की का फ़ोन आ गया एक बार कि भाई कहाँ पे हो, तो मैं बोला कि यार भाई 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मैं पहुँच ही चुका हूँ। अभी यहाँ से शायद 15-20 मिनट लगेगा अगर जाम बहुत गंदा वाला नहीं लगा तो, अगर जाम लग गया तो क्या कर सकते हैं यार, टाइम लग जाएगा बहुत क्योंकि यहाँ पे ना सामने मेट्रो का काम चल रहा है और उस चक्कर में भाई बहुत ज़्यादा जाम लगता है, ऊपर से ये बड़ी गाड़ियाँ खुला दे भाई, सिग्नल खुला हुआ है, निकलने दो मुझे सामने वाला टोटो यार। चलो निकल गया, शायद मैं निकल गया, सिग्नल गिरने से पहले निकल लो भाई निकल गया भाई, ये वाला सिग्नल क्रॉस कर लिया, बस आगे वाला कर लूँ बस हो जाएगा भाई, आगे वाला करने दो हो जाएगा। माफ़ कर देना भाई मैं गैप ज़्यादा मार रहा हूँ मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, मतलब किसी को मैं नहीं बताता कि ऐसे गाड़ी चलाओ, पर यार थोड़ा काम है तो अगर सेफली अगर आप निकाल सकते हो अपनी बाइक को गैप से तो निकालो, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ पर यार मैं गैप मारना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूँ यार, मतलब कभी भी आप नहीं देखोगे कि मैंने गैप मारा है, और मारा भी है तो यार इंडिकेटर मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, आप देख लेना यहाँ पे इंडिकेटर ब्लिंक करता है ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो जैसे कि ये आगे वाला गाड़ी निकल गया ठीक है, कोई इंडिकेटर नहीं कुछ नहीं, अचानक से ले लिया बाइक ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप गैप मार रहे हो तो इंडिकेटर सही टाइम पे इंडिकेटर देके आप लेन चेंज करो ठीक है। आज की वीडियो एक सेकंड में थोड़ा ये वाला जगह क्रॉस कर लेता हूँ उसके बाद बात करता हूँ, इतना हॉर्न बाप रे बाप। तो जैसा कि मैं बता रहा था भाई कि
आज की वीडियो यही तक। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना अगर नए हो, और वो बिल वाला आइकन ज़रूर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुम आप सबको बहुत जल्दी मिल पाए। ठीक है, और बहुत जल्दी वीडियो आने वाले हैं, और राशि वाला ब्लॉग भी आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं वीडियो के ऊपर कहीं पर लिंक डाल दूँगा राशि वाले ब्लॉग का, और नेक्स्ट पार्ट भी मैं डाल ही दूँगा। ठीक है, तो दो तीन मतलब ये महीना बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए शायद मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, गाइस आई एम रियली सॉरी। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और अगर किसी को अपनी शादी के लिए फोटोग्राफर्स चाहिए तो DM कर सकते हो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे रहेंगे, तो बढ़िया ही करेंगे, तो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। ओके, बाय।